करके कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपको बता दें राहुल गांधी अब से थोड़ी देर के बाद बीकानेर पहुंच जाएंगे और ये बीकानेर की तस्वीरें ही हैं। पंडाल को आप देख सकते हैं कि खचाखच यहाँ आम लोगों से भरा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। नाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी और वहां से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे नाल एयरपोर्ट का, जहां से हमारी सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, कितना वक्त और जब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे? देखिए, बस इंतजार है, हालांकि फिर भी 10 मिनट और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पहुंचने वाले हैं। पुख्ता इंतजार, ये देखिए तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम यहां किए गए हैं। अंदर एसपीजी, करीब पिछले 2 घंटे से एसपीजी की सुरक्षा से लेकर चाक चौबंद पूरी तैयारियां जो है इंतजार हो रहा है। ये नया एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है, एक कमरे में एयरपोर्ट सिमटा हुआ है, लेकिन लगातार यहाँ पे जो कांग्रेस के बड़े नेता डूडी खुद यहाँ पर पूरा इंतजाम देख रहे हैं। और देखिए अभी यहाँ पे इस तरह का कंफ्यूजन है कि क्या राहुल गांधी, हम आपको कुछ दिखाएंगे, राहुल गांधी अंदर जब उनका प्लेन है जब वो लैंड करेगा उसके बाद, ये एक इलाका है जहां पे अंदर गाड़ी जाएगी। आपको हम उनकी गाड़ी दिखा दें, वो उस गाड़ी में जहां पे सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी वाली गाड़ी जो साथ में चलेगी वो गाड़ी है, वो गाड़ी अंदर जाएगी इस तरफ। और ये इलाका भी आपको दिखा दें कि वहां से एयरपोर्ट के सीधे अंदर से वो गाड़ी आएगी, लेकिन अभी अभी कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हैं और ये बताया जा रहा है कि अब एयरपोर्ट के अंदर आएंगे राहुल गांधी, 15 मिनट जो यहाँ पर वीआईपी लाउंज है वहां बैठेंगे और उसके बाद काफिला बिल्कुल मेन रोड से निकलेगा। तो इस तरह की तमाम चीजें सिक्योरिटी के मद्देनजर एसपीजी और पुलिस वाले और जो कांग्रेसी नेता हैं बड़े उनके बीच में चर्चा की जा रही है। और यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन भी उस तरीके से देखिए देख रहा है कि जो ड्यूटी है वो भीड़ से लेकर तमाम इंतजाम में जो उनका कांग्रेस के और कौन कौन से नेता इस वक्त मौजूद है वहां, अदिति? नेता प्रतिपक्ष है उनकी ही तमाम जो देखा जाए, देखिए फिलहाल रामेश्वर डूडी यहाँ पर मौजूद है, वो इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत का, राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके साथ में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी आ रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ सचिव भी मौजूद हैं जो इंतजार उनका स्वागत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जो सुभाष मेहरिया से लेकर जो बाकी सारे बीडी कल्ला तमाम जो नेता है वो सभा स्थल पर है। सभा स्थल पर जो भाषणों का दौर चल रहा है, जनता जुटने लगी है और बताया जा रहा है कि 80,000 के लगभग की भीड़ अभी तक वहां पर जुट चुकी है। कुछ देर 2 घंटे पहले का जो आंकड़ा था वो 60,000 का बताया जा रहा था और अब 80,000 से लगभग भीड़ जो है संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया था कि 1 से 1.25 लाख तक लोग यहां पर आएंगे, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, उत्साह है, ना सिर्फ जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में लेकिन जो बीकानेर की जनता है जो यहां पर देखने को नजर आ रहा है, राहुल गांधी के आने से काफी उत्साहित है। और उसके अलावा जो बीकानेर की राजनीति है कांग्रेस की, क्योंकि यहाँ पे भी गुटबाजी है, धड़े हैं, तो ऐसे में डूडी का शक्ति प्रदर्शन कितना रहता है, भीड़ जुटाने में डूडी कितने कामयाब होते हैं, रामेश्वर डूडी कितने कामयाब होते हैं, ये सभा में साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें अगले 10 मिनट के अंदर राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं, तमाम इंतजाम है, मीडिया का ये सामने रामेश्वर डूडी आपको तस्वीरें कुछ अगर दिखा दे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कितनी देर में डूडी जी, कितनी देर में राहुल गांधी जी के आने का जो है समय? देखो, राहुल गांधी जी अभी कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पहुंचने के बाद में रोड शो बीच में रखा हुआ है, लोग वेलकम करेंगे, हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है सड़कों पे खड़े हैं उनके वेलकम के लिए, और वहाँ सीधे मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहाँ लाखों की तादाद में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जन राहुल गांधी जी को सुनना चाहता है, और राहुल गांधी जी इस रैली के अंदर एक संदेश और संकल्प देके जाएंगे। वो संदेश और संकल्प हमारे लाखों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो गांव, ढाणी, खेत और खलियान तक पहुंचाने का काम करेंगे, शहर, कस्बे, वार्ड तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी, जितने लाखों के कार्यकर्ता जो आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आज आपका शक्ति प्रदर्शन में नजर आएगा, जितनी भीड़ है, आपका जितना काम पिछले समय में रहा है, जब मोदी जी की लहर थी तब भी जो बीकानेर में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, तो ऐसे में आपका आज जो पूरा चाक चौबंद प्रबंध है, जो भीड़ है, उससे आप आगे कैसे देखते हैं अपने? देखो, मैं बताऊं कि इसमें कोई एक का शक्ति प्रश्न परीक्षण नहीं है, इसमें पूरे हमारे संभाग के सारे कांग्रेस के नेता एकजुट और एकता और संगठन से लगे हुए हैं। इसमें लाखों की तादाद में कार्यकर्ता आ रहे हैं।
राहुल गांधी जी को सुनने के लिए और राहुल गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए लाखों की तादाद में कार्यकर्ता आए हैं और वो संदेश और संकल्प लेके जाएंगे और आने वाले 2018 के चुनाव में ये रैली जो बीकानेर की जो संकल्प महारैली है ये एक नया इतिहास प्रदेश के अंदर रचेगी और इस कुशासन को उखाड़ के फेंक कर और वापस इस राजस्थान की सरकार में कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराने का काम प्रदेश की जनता एकता और संगठन से करेगी। ऐसे सभाओं में आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्या आंकड़ा लगाया जा रहा है, कितनी जनता जुट सकती है आज की? आज जनता की कोई गिनती नहीं होगी, लाखों की तादाद में आदमी आएंगे। हमने 5 लाख का टारगेट दिया था, उससे कई गुना ऊपर आएंगे, इसमें गिनती नहीं होती। आज पूरा बीकानेर जिला और चारों तरफ आम कार्यकर्ता खचाखच भरा है रोडों पे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, रेलवे इनके हाथ के अंदर है। आज लूणकंद सर के अंदर जो रेलवे फाटक आ रहा है बामन वाली, उसमें 2 घंटे तक रेलवे फाटक बंद कर दिया। वहाँ करीब 3,000 से ऊपर व्हीकल हमारे जो कार्यकर्ताओं के खड़े हैं। मैंने DRM से बात करी, तब जाके 10 मिनट के बाद फाटक खोला गया। ये स्थिति जो नागौर रोड की है, चारों तरफ जहाँ इनके रेलवे फाटक आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का षड्यंत्र जिस तरीके से करा जा रहा है, ये द्वेषपूर्ण जो राजनीति कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता इस बात को समझती है। आने वाले समय के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब देके, इसके शासन को उखाड़ के फेंक कर एक प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करें। तो ये थे रामेश्वर लूडी जो एयरपोर्ट के बाहर हैं, लेकिन जो जज्बा आपने यहाँ पर उनकी आंखों में देखा और इस रैली से काफी उम्मीद लगाई जा रही है और इस वक्त उत्साह बहुत ज्यादा नजर आ रहा है।